हेलो टोपी बाज बना दी है मानू ने। इसका मुंह ओए हेलो को तंग मत कर। सफेद मोगरा है मेरा। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पंगाल। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया है तो आपको पता चल ही चुका होगा कि वीडियो क्या है। आई विल बी बैक। एक मिनट, वो थोड़ा शरारत कर रहा है ना, काम वाली आंटी आई हुई है शाम को सफाई करने के लिए। ओए तो भाई, थोर और शाशा मिलेंगे आज, दोनों भाई बहन स्विमिंग करने जाएंगे और हम भी स्विमिंग करने जाएंगे। तो थोर बड़ा हो गया, शाशा भी बड़ी हो गया, तो देखते हैं ये दोनों कैसे रिएक्ट करते हैं जब हम जंप करेंगे, वो हमें बचाएंगे या नहीं बचाएंगे। तो सारी चीजें आज इस व्लॉग में करेंगे। तो भाई स्टार्ट होने से पहले ना वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कर दिया ना, चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं। चलो आ गए हैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेके। स्विमिंग कॉस्ट्यूम देख लो, दिखा। रिफ्यूल करवा लिया है अपनी कार को और जस्ट ये थोर बैठा भाई और सिकंदर फोन पर लग रहा है। थोर वेट कर रहा है जाने का कि मैं कब गीला होऊंगा पानी में। आज तुम्हें बहुत बढ़िया वाले वीडियोस बनाऊंगा, बहुत बढ़िया सीन दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है। आज मैंने सोच लिया पहले मैं प्रॉपर व्लॉग शूट करूंगा फिर मैं नहाऊंगा, ठीक है भाई। आज तो सिकंदर मॉडल बना देंगे व्लॉग में सिकंदर को। आप लोग मेरे से पूछ रहे थे कि अपने हेयर मतलब आपके इतने डेंस क्यों, इतने बढ़िया क्यों है, तो इसके पीछे एक रीजन है भाई। मैंने आज तक सिर्फ हेयर ऑयल के अलावा और कुछ भी प्रोडक्ट इन पे यूज नहीं करा है, ना कोई जेल वगैरह लगाया, ना कोई स्प्रे वगैरह, कुछ भी नहीं लगाया। तो मैं आप लोगों को एक प्रोडक्ट दिखाना चाहता हूँ जो मैं खुद यूज कर रहा हूँ, और उसका सबसे पहले ये चीज दिखाऊंगा कि ये देखो भाई, ये उस्तरा का आयुर्वेदिक हेयर ऑयल है। ये मैंने बोतल खत्म कर दी, ऑलमोस्ट ये बिल्कुल थोड़ी सी इतनी रह रही है, तो अब मैंने इनके लिए नई बोतल मंगाई है। और हाँ, कई सोचते कि डब्बा डब्बा है, सही में बहुत थल है अंदर। ये देखो, ये इतना अच्छा है कि मैंने ये वापस मंगाया है। सबसे पहले जो उस तरह के प्रोडक्ट्स है ये इतने बढ़िया क्यों है, क्योंकि ये कोई केमिकल यूज नहीं करते इसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और सबसे बढ़िया बात कि किसी भी एनिमल को हार्म नहीं करते ये इस चीज के प्रोडक्ट की टेस्टिंग के लिए, तो सबसे मेन पॉइंट ये भी है। और ये आयुर्वेदिक हेयर ऑयल जो अपनी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है उससे वेरीफाइड है, और इसके अंदर 8 नेचुरल हर्ब्स है। यू कैन सी, ये देखो ये लिखे हुए हैं सारे। सो इट कंटेन एक्सट्रैक्ट्स ऑफ 8 नेचुरल हर्ब्स, जैसे कि अश्वगंधा जो हमारे बालों की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए काम करता है, ब्रिंग राज जो ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में मदद करता है, आंवला जो विटामिन सी की कमी पूरी करता है, और इनके बहुत ज्यादा फायदे हैं। ये स्कैल्प को आपको मतलब कि जो डैंड्रफ के इशू आते हैं वो नहीं आने देता, स्कैल्प को हेल्दी रखता है, हेयर्स को बहुत ज्यादा शाइन में रखता है, जो नेचुरल इनकी शाइन है उनको, जिनकी कईयों की नेचुरल शाइन चली जाती है, तो उसको रिटेन करने में मदद करता है हेयर ऑयल। तो इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं और इसको यूज करना बिल्कुल आसान है। ये देखो, मैं तो हर बार ऐसे ही करता हूँ, ये डाला अपना और ये थोड़ा यूं लिया और ये स्कैल्प पे लगाओ पहले, अंदर स्कैल्प में, पहले स्कैल्प पे लगाने के बाद फिर इसको प्रॉपर ऐसे, मजा बहुत आता है, इसको प्रॉपर अपने हेयर्स पे लगा लो, पहले स्कैल्प पे उसके बाद हेयर्स पे। तो ये नॉन स्टिकी है, मतलब इतना बिल्कुल भी वो चिपचिप आर्टसी जो हो जाती है ना वो नहीं होती, तो ये भी बहुत अच्छा है। और एक और काम है इसका, अगर आप शाम को रात को लगा लो, बढ़िया सी चंपी करा लो और लगा के सो जाओ, तो सुबह उठोगे ना और फिर वॉश कर लेना, तो सबसे बेस्ट रिजल्ट आता है इसका। इस तरह का आयुर्वेदिक हेयर ऑयल अगर आप लोगों में से किसी ने भी ये बाय करना है, मैं मस्ट रिकमेंड करता हूँ कि ये जरूर बाय करना, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। शाशा देख थोर भी आ गया, मुझे वो रोने लग रहा अंदर से। ये लो भाई, थोर और शाशा को हम ले आए हैं नदी नहर पे, बट एक इशू आ रहा है मेरे को, यार पानी साफ सुथरा सा नहीं लग रहा, हम इसलिए आगे जा रहे हैं। डाक मारा आगे मार दे फिर बेटे। क्या आप वो जूम करके देख पा रहे हैं, वाला टाइम आज रही है। तारा जैसे ही है कचरे कचरे। सिकंदर को ही तो नहाना है आज,
आज हम स्पेशल सिकंदर को नहलाने लेके आए हैं। सिकंदर तो ना ना ठीक है घर थोड़े से एक बाल्टी में ना तू आड़े तेरे पानी देख तू देख तो जोड़ो ना पानी की शक्ल और पानी की शक्ल दिखाई एक बार सबको। बहुत सुंदर है साफ सुथरा बहुत साफ सुथरा पानी है भाई तेरी शक्ल के हिसाब से बहुत साफ सुथरा बहुत नेचुरल पानी है। हाँ तो और मना कौन कर रहे हम सिकंदर भाई जाय जा लेते हुए क्या क्या सोचा सिकंदर तने डूंगा तो है नहीं मौत का कुआं है। देखो भाई यहाँ से बड़ी नहर आ रही है अब इसके दो भाग हो गए हैं दो पार्ट हो गए एक इस साइड चल जाती है जो कि सेक्टर 16-17 में जाएगी यही जाएगी ना इसी से पानी आता है तो ये बंद करे हुए हेड गिराए हुए हैं नीचे तो वो सारा पानी डाइवर्ट इस तरफ करा हुआ है इसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है और ट्रेन भी आ रही है हमारी कार वहाँ खड़ी है वो व्हाइट कलर की दिख रही होगी और तो इस पानी को यहाँ डाइवर्ट कर दिया और इस टाइम ये बहुत ढूंगा होता है जहाँ तक मेरा दिमाग में अब एक्सपीरियंस है इस पॉइंट पे ये ढूंगा होता है भाई और ये हेड उठा रखे हैं ना इसके ये हेड उठा रखे हैं और हाँ वहाँ जान लग रहे देखो वो आगे जा रहा है दिख रहा होगा आपको और एक ये वाला हेड उठाया हुआ है यहाँ से भी उधर जा रहा है ये दूसरी एक नहर जा रही है ये एक तरफ जाएगी उतारू हाँ देख सासा उतर गई आजा सासा थोर थोर आजा ओए थोर सासु नहीं आई सासु नालिया नाली तू वेरी गुड वेरी गुड सासी के अंदर भी आओ ऐसे किला कर दे सासा आजा 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 अरे यार कितनी समझदार है सासा थोर हम तेरे को एडॉप्शन के लिए दे रहे हैं आजा सासा सासु जा बोल ले क्या हो रही गई वो गई बोल आ सासा बोल बोल आजा आजा बेटी आजा आजा बढ़िया है चल इसका मन कर रहा है चल दिन से शाम होगी अब देख ले गहराई थोर की तो चिंता होगी थोर की समझदार बच्चा इधर आते सासा अच्छा कहाँ जाएगी वहाँ पे इधर आ जाए आ जाइए आ जाइए चलते हैं सर वेरी गुड आजा आ जा वेरी गुड सासू वेरी गुड आजा आजा जोर लगा सासा आजा वेरी गुड सासू आजा जा वेरी गुड जा आजा इधर शाबाश शाबाश बस थोड़ा सा और थोड़ा सा और बता बता उसे वेरी गुड सासू वेरी गुड आजा वेरी गुड सासू वेरी गुड शाबाश शाबाश आजा हाथ दे दे बस तू चला जा 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 थोर को देखे दो दोस्त और आगे थोर को देखे यहाँ आके कहता था तीन चार ये सिकंदर जी ने बड़ी हिम्मत करी है जाने की कई देर बाद अपना अल्लस छोड़ के मंदिरों के बीच में से जा रहे हैं कारण ये है रचित को बचाना है बस रचित बच जाए देखते हैं फुल निराश है बड़े बड़े सपनों की आस में कुछ करना चाहते हैं ये लड़के करेंगे जिंदगी में बहुत बड़ा अब ये हमारा झोटा तिर गया एक बैग भी है तेरा ये देखो रचित की चप्पल एक यहाँ पे है और एक और है अब देखते हैं क्या हासिल कर पाएंगे इन चप्पलों को ना भाई कौन अरे पहुंच गया अब तो क्या दिक्कत है
दूसरी कहाँ है? वो ही दोनों इकट्ठी हैं, इकट्ठी ये रही चप्पलें। आगे अब बोल, अब थोर आएगा, थोर को बोल जल्दी जाओ आगे निकल जाएगी। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ बढ़ाना। थोर को चिंता होगी कि रचित की चप्पल चली गई। थोर जा जा उश शाशू, उश। दोनों भाई बहन पूरी चिंता में रचित के लिए कि क्या होगा। थोर शाशा A few moments later. चप्पल गुम हो गई है। अच्छा एक तूने हासिल कर ली है? एक सिकंदर की हासिल मेरी हासिल कर ली। अच्छा एक सिकंदर नंगे पैर चल रहा है, चल रहा हूँ, फिर हम बदल लेंगे पैर ऐसे। कौन है? हाँ थोरी ओए बोल रहा था, इसने इशारा करा ऐसे कुछ ना कुछ। ऐसे शर्मा रहा है, शर्मा हूँ मैं। हाँ भाई कैसा लगा व्लॉग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आज की आउटिंग कैसी लगी है आपको, ठीक है जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आती है तो शेयर कर दिया करो। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, ओके बाय बाय।